बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोग को वो गलत लग रहा था, अब नहीं बताना चाहती हूँ। अपना मान सम्मान बढ़ा रहता है। मैं भले से गरीब घर से हूँ और मुझे संगीत का मामला नहीं मालूम है, तो मेरा अभी फिलहाल ठंडी का गाना गाए हूँ, लगवाई द घर में हिटर राजा जी डुइट में है। और वो तो मुझे उतना पसंद नहीं है, बाकी लोग गवा लेते हैं तो गा देती हूँ। इस गाने पर आप क्या कहना चाहती हैं? अभी वो रिलीज नहीं हुआ है तो आप सभी के बीच में थोड़ा सा तो गाना को लिखे हैं अजय भजपुरिया सिंह। कहलू तरानी देनी ये सिला गवाई, उसके आगे नहीं मालूम है, मेरा लाइन है, मेरा लाइन है। पिछला जो शैली है आपकी जीवन पर से उसमें क्या कहना चाहेंगे, और इस समय का जो जीवन शैली है इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? खासा धूम मचा रही है, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं, इसके बाद आपका क्या टारगेट है, क्या सपना है, फिर इसके बाद क्या कहना चाहेंगे? मेरा बस आप सभी का प्यार है, मुझे तो बोलना भी नहीं आता था, बहुत लोग कमेंट में ही बोल रहे थे। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं रागिनी विश्वकर्मा जी के पास। इनका जो इस समय इससे पहले एसी वाला गाना हिट हुआ था और इस समय जो भी उभरता हुआ गाना है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि वो गाना कौन सा है। आइए इनसे हम जानकारी लेना चाहते हैं। हम बताइए तो सभी को, पहले तीन चैनल का माध्यम से सभी को तहे दिल से नमस्कार है और प्यार आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिएगा। मेरा ये गाना एसी वाले पे बहुत प्यार आशीर्वाद आप सभी का मिला था, तो मेरा अभी फिलहाल ठंडी का गाना गाए हूँ, लगवाई द घर में हिटर राजा जी डुइट में है अजय यादव सधुआ। अजय यादव सधुआ, अच्छा, इसके राइटर कौन है? मुझे राइटर जी का नाम तो नहीं मालूम है, और वो यादव अजय, अच्छा, इसका मतलब सिंगर जो आपके साथ गाए हैं उनका अजय यादव सधुआ नाम है। हाँ ठीक ठीक इस गाने पर आप क्या कहना चाहती हैं? अभी वो रिलीज नहीं हुआ है तो आप सभी के बीच में थोड़ा सा तो गाना को लिखे हैं अजय भजपुरिया सिंह और गाए हैं अजय यादव सधुआ भैया गाए हैं डुइट में है, और अभी न्यू स्टूडियो से गाया गया है तो होगा अनुराग एंटरटेनमेंट पे रिलीज। तो हम गाना का बोल है कि कहलू तरानी देनी ये सिला गवाई, उसके आगे नहीं मालूम है, मेरा लाइन है, मेरा लाइन है। एगो हमर अनुमान सा पूरा ये देत हो कि राजा जी एगो हीटर लगवाई नु देत हो, राजा जी एगो हीटर लगवाई नु देत हो। तो आप सभी के बीच में आने वाला है तो आप लोग एसी पे बहुत प्यार आशीर्वाद दिए, उसी का सेम लाइन है, वही गाना है। तो हीटर है, ठंडी चल रहा है तो हाँ, उनके साथ में आया है तो आप लोग से यही है। के हिसाब से आप ये गाना चेंज करती हैं। चलिए बहुत बढ़िया, गाना आपका बहुत ही शानदार रहा। रागिनी जी, हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे, इससे पहले आपका जो जीवन यापन हो रहा था यानी कि ढोल बजा के, आप पिछला जो शैली है आपकी जीवन पर से उसमें क्या कहना चाहेंगे, और इस समय का जो जीवन शैली है इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? उस टाइम का जीवन ऐसा था कि रोड पे हम लोग हर जगह जाते थे, गाते थे घर घर में, शहर बाजार में। इस टाइम है कि अभी एक फिलहाल एक अड्डा मिला है तो कुछ फर्क नहीं है, अच्छा है। अच्छा, काफ़ी आप काफ़ी इस समय मुकाम हासिल कर लिए ना? बस पब्लिक का प्यार है, आशीर्वाद है। अच्छा, आप जो इस स्तर पर पहुंची हैं तो इसके पीछे किसका हाथ है, आप किसका नाम लेना चाहेंगी? मेरे सर जी हैं, दिवाकर सर। एक सवाल और करना चाहेंगे, हमारा कहना है कि मतलब कि आप इस समय तो आप गाना गा रही हैं, बहुत ही अच्छा खासा धूम मचा रही हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं, इसके बाद आपका क्या टारगेट है, क्या सपना है, फिर इसके बाद क्या करना चाहेंगी? मेरा यही सपना है कि दर्शकों के बीच में अभी तक भोजपुरी लाई हूँ और अब चाह रही हूँ कि सोहर लाऊँ, गजल लाऊँ, मैंने बहुत सारा है समान अच्छा, जैसे काफी आपका सपना है मतलब सामाजिक चोरी ना? हाँ, जो सामाजिक गीत हाँ, वो यानी समाज में चले, सो जैसे कि पूरा घर में सुने उसको, घर भर सुने, माँ बहन भाई जो भी कुछ लग रहे हैं उन लोग को यही बोलना चाहूँगी कि मेरा ऐसा गाना आए
कि उन सभी के बीच में वो गाना बजे और सुने लोग, कि उन लोग को निराश नहीं हो और अश्लीलता भी न रहे। नहीं, और वो तो मुझे उतना पसंद नहीं है, बाकी लोग गवा लेते हैं तो गा देती हूँ, बाकी मेरा इस चीज़ में मन नहीं लगता है कुल गाना में। बाकी मैं यही चाहती हूँ कि मैं जब तक ले इस लाइन में हूँ, मैं साफ सुथरा गाना पब्लिक के बीच में लाऊँ कि उस जगह पे आप भी सुन सकती हैं। बहुत लोग मेरा गाना सुनना पसंद करते हैं, तो मैं यही उन लोग से निवेदन चाहूँगी, रिक्वेस्ट आऊँगी कि मैं उन सभी के बीच में कभी गंदा गाना नहीं लाऊँ। मैं लाऊँ तो सामाजिक गाना लाऊँ कि सभी के बीच में सुने लोग और पसंद करें। उससे होता है कि अपना मान सम्मान बढ़ा रहता है। मैं भले से गरीब घर से हूँ और मुझे संगीत का मामला नहीं मालूम है, बाकी आज भी मैं सोचती हूँ कि संगीत का जो संगीत है और जो आज मुझे पब्लिक से प्यार मिल रहा है, मैं कभी नहीं सोची थी कि मुझे इतना प्यार आशीर्वाद मिलेगा, मैं इस जगह पे आऊँगी, मैं कभी नहीं सोची थी। तो आज से मैं यही चाह रही हूँ और सोचूंगी कि मेरा पूरा लाइव में मैं सोहर लाऊँ, बहुत सारा गाना लाऊँ कि उन गाना को आप लोग लाइव टाइम देखें, सुने और उसको मैं निराश नहीं करूंगी। अच्छा, रागनी जी कह रहे हैं कि आप कितना तक पढ़ी लिखी हैं? एकदम अंगूर पे। आप नहीं पढ़ी लिखी होकर भी इतना अच्छा गाना गा लेती हैं, इतना अच्छा हिंदी बोल लेती हैं। बस आप सभी का प्यार है, मुझे तो बोलना भी नहीं आता था। बहुत लोग कमेंट में ही बोल रहे थे रागनी जी, मैंने डांट नहीं रहे थे, कोई कोई गलती हो जाता है तो पब्लिक ही है, प्यार है उन सभी का से। तो लोग वही बोल रहे थे कि रागनी जी आप भोजपुरी बोलते बोलते हिंदी में जाती हैं, हिंदी में बोलते बोलते भोजपुरी में जाती हैं, तो आप पहले अपना बोलने के लिए सीख लीजिएगा। तो अभी भी मैं उतना नहीं सीखी हूँ, बाकी आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, आप सभी का देन है। आप सभी नहीं आते, पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोग को वो गलत लग रहा था, नहीं बताना चाहती हूँ। अगर जो बोलूँगी तो लोग वही करना चालू कर देंगे, जो मन में डर है वो पैदा हो जाएगा लोगों के बीच में। तो उन लोग को वो भावना था कि मेरी बेटी को ऐसे कर देंगे लोग, ऐसे कर देंगे लोग, तो वो लोग नहीं सपोर्ट कर रहे। आज जब धीरे धीरे उन लोग को जानकारी होता गया, मैं समझाते गई कि मुझे इस लाइन में आना है, ये मेहनत करना है और मुझे बहुत आगे जाना है, आप सभी का आशीर्वाद रहेगा तभी जा पाऊँगे। अगर सबसे बड़ी बात ये होती है कि माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिलता है तो कोई सपोर्ट नहीं करता है, और माँ बाप का सपोर्ट मिला तो जान लिए कि आप अमर हैं। आपको कोई सपोर्ट करे या ना करे, आप अपनी आप सपोर्टिंग में चली जाएंगे। तो यही बात है, तो वो लोग पहले नहीं सपोर्ट कर रहे थे, आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप एकदम सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपको बाहर निकलने में इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई मतलब सामना नहीं करना पड़ता है ना मुसीबत का? नहीं, मुझे कोई नहीं, मैं ऐसे काम ही नहीं की हूँ तो भाई कहला कोई मुझे पंगा करेगा। बस यही है कि आती जाती हूँ, स्टूडियो में गाती हूँ अपना। हर बहुत बहुत धन्यवाद।